नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। मैं हम जायसवाल स्वागत करता हूँ एक और नए सीरीज में जो कि जनरल अवेयरनेस का होगा दोस्तों, जहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, संभावित प्रश्न हैं, आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं सभी के सभी। और दोस्तों, ये आगामी सभी एग्जामिनेशन जो कि 2020 में होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी की बात करें, NTPC की बात करें, पुलिस परीक्षा की बात करें और SSC परीक्षा बात करें, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सब में हमको जनरल नॉलेज क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये पार्ट वन है। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं लगातार इसको कंटिन्यू करूँगा, डेली बेसिस पे आपको एक इस चैनल पे मिलेगा। ऑलरेडी मैं दो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ सुबह और शाम, लेकिन अब आपको दोपहर या रात के टाइम में एक वीडियो चैनल पर डेली बेसिस पर मिलेगा। इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल स्टडी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर, या फिर मैं डायरेक्ट लिंक नीचे दे दूँगा वहाँ से भी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप चाहें तो कमेंट में कमेंट भी करते रहिए। जी बिल्कुल सही, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी देखिए मध्य प्रदेश में है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखिए मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। और दोस्तों, इसको 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तकरीबन ये 437 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। स्पेशली दोस्तों, ये बाघों के लिए फेमस है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? जी बिल्कुल सही, सूर्य नमस्कार में टोटल 12 चरण होते हैं। सूर्य नमस्कार देखिए एक योग दिनचर्या है जो कि आसन पर आधारित होता है, तो ये देखिए टोटल 12 चरण में होते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, महाद्वीपी बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? जी बिल्कुल सही, ये दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर देखिए अल्फ्रेड वेनेगर के द्वारा। तो महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत को देखिए सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेनेगर ने दिया था 1912 में, सन 1912 में प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत पृथ्वी के महाद्वीपों के एक दूसरे के सापेक्ष गति से संबंधित है। मतलब उनका कहना यह था, उनका मानना यह था कि पहले के युग में हमारी जो टोटल पृथ्वी पर अलग अलग देश हैं वो एक ही पिंड में थे, जिनको हम पैंजिया कहते थे। ठीक है, क्या बोलते थे इसको? पैंजिया, याद रखेंगे। और हमारा भारत देखिए गोंडवाना द्वीप का समूह है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, यह है देखिए हमारा यकृत, ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट हो जाएगा। यकृत को देखिए मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जानता है। ये देखिए चार महत्वपूर्ण हार्मोन को संश्लेषित और उत्सर्जित करता है, और यकृत द्वारा देखिए पित्त स्रावित होता है, यह एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। अगर कुछ और बात करें तो यकृत को देखिए प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। अगर हम बात करें देखिए, यह रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है तथा कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में भी चेंज करता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सरकार बजट घाटे को वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है, डैश इसका असर क्या होगा? जी बिल्कुल, इसका असर देखिए होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से सही हो जाएगा। यहाँ पे बढ़े हुए बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए सरकारी उधार में वृद्धि से वास्तविक जो कि ब्याज दरों में इसका दबाव पड़ेगा। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, औरंगजेब 1968 से जो उसका कार्यकाल था 1707 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मुगल का। देखिए औरंगजेब मुगल वंश का शासक था और सुन्नी धर्म में विश्वास कर रखता था। और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? जी बिल्कुल सही, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार देखिए क्या था, एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 1888 में देखिए जर्मन नेत्र के जो विशेषज्ञ थे, नेत्र रोग विशेषज्ञ एडोल्फ गैस्टन ने, यूजेन फिक ने प्रथम कॉन्टैक्ट लेंस का निर्माण किया। इसका जो पहला परीक्षण उन्होंने किया था वो एक खरगोश पे किया था, फिर स्वयं पे किया, फिर अपने कुछ जो स्वयं सेवक थे उन पे ये किया था। आठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, बीहू किस राज्य का लोक नृत्य है? जी बिल्कुल सही, बीहू जो कि असम राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों, और यह एक फसल पर आधारित त्यौहार है। यह देखिए तीन अलग अलग त्यौहारों को संदर्भित करता है, रोंगाली या फिर बोहाग, बीहू देखिए अप्रैल मनाया जाता है, और कालांगी या फिर काती जो कि अक्टूबर महीने में, और देखिए भोगाली या फिर बीहू जनवरी के महीने में मनाया जाता है। नवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है?
जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका सोडियम ऑप्शन नंबर एक रखा जाएगा दोस्तों। सर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 11, और फ्लोरीन का कितना होता है दोस्तों, तो 09। बेरिलियम नाइट्रोजन की देखिए परमाणु संख्या क्रमशः 4 और 7 होती है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन गति के केंद्र में चारों ओर घूमते हैं किस तरीके से। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए कच्छ ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। पारंपरिक अगर भौतिक विधों की माने तो देखिए सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की तुलना इलेक्ट्रॉनों के सदिश घूर्णन से ही की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रक्तचाप द्वारा मापा जाता है, रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है। जी बिल्कुल सही, इसे मापा जाता है ऑप्शन नंबर बी देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर, तो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा ही रक्तचाप को मापते हैं। और देखिए इसका आविष्कार किया गया था 1881 में सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल रीटन वॉन बैस के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और सामान्यतः देखिए 120 से 80 के ऊपर रक्तचाप को हाई ब्लड प्रेशर के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आप लोग जैसा चाह रहे हो वैसे वीडियो में डेली ला रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए क्योंकि लगातार मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। और आप चाह रहे हैं कि ऐसे वीडियो कभी भी मिस ना हो दोस्तों, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इवन आप इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होंगे सबका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न देखिए दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन था प्रथम। जी बिल्कुल सही, यहां पे थे देखिए ए के गोपालन, भारतीय कम्युनिस्ट नेता ए के गोपालन देखिए 1952 में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत किए गए थे। विपक्ष के नेता के पद को देखिए संसद अधिनियम 1977 के अंतर्गत वेतन और भत्ते के साथ मान्यता प्रदान की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 13वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए रेडान। रेडान का गलनांक देखिए कितना होता है, -71 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी का अगर हम बात करें सोडियम का तो 98 डिग्री सेंटीग्रेड, टीन का 232 डिग्री सेंटीग्रेड, और देखिए रेडियन का तकरीबन 700 डिग्री सेंटीग्रेड। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं से प्रेरित करता है। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। इसे देखिए ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण एवं समन्वय होता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी मस्तिष्क का एक भाग है सेरेब्रम। 15वां क्वेश्चन देखिए, पौधे प्रोटीन संश्लेषण दोस्तों कहाँ से करते हैं। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये है देखिए आपका अमीनो एसिड ऑप्शन नंबर सी। तो अमीनो अम्ल से ही देखिए प्रोटीन के आणविक निर्माण के घटक और इस प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। चलिए याद रखेंगे। 16वां क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या तकरीबन कितनी है। जी बिल्कुल सही, संसदीय सीटों की संख्या देखिए यहाँ पे 16 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम जो संख्या कभी कभी हमसे पूछता है दोस्तों, तो याद रखना ये आपका 250 होता है, और वर्तमान में अगर पूछेगा दोस्तों तो ये है आपका 245, ये भी याद रखिएगा। 17वां प्रश्न देखिए दोस्तों, बीसीसीआई की संरचना और कार्यप्रणाली डैश में परिवर्तन की सिफारिश की थी, किसने की थी। जी बिल्कुल सही, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ये थी लोढ़ा समिति, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट में व्याप्त भ्रष्टाचार, मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोपों के बाद जनवरी 2015 में उच्चतम न्यायालय ने लोढ़ा समिति का गठन किया। इस समिति का गठन बीसीसीआई और क्रिकेट के खेल की कानून अध्यक्षता पर भारत के पूर्व न्यायाधीश आर एम लोढ़ा ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 18वां देखिए दोस्तों, 5.1 व्हाट नॉट टू डू एंड आईटीआई नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखी थी। जी बिल्कुल सही, ये देखिए चेतन भगत के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए 5.1 याद रखेंगे व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी, चेतन भगत द्वारा लिखित उपन्यास है। देखिए लोकप्रिय हिंदी फिल्म जो है थ्री इडियट इसी पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक को देखिए दुनिया भर में 1 लाख से अधिक प्रतियाँ बेची जा चुकी हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है।
जी बिल्कुल सही, ये देखिए क्या आता है, ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रहित होता है, और देखिए यकृत ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को संग्रहित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे मुक्त भी करता है, तो याद रखेंगे। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष में प्रारंभ जो किस वर्ष किया गया। जी बिल्कुल सही, ये किया गया था आपका 1973 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 21वां प्रश्न दोस्तों, डैश गुफाएं मुंबई हार्बर में स्लिप गुफाओं का एक नेटवर्क है, कौन सी गुफाएं हैं। जी बिल्कुल सही, ये देखिए एलिफेंटा की है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एलिफेंटा गुफाएं देखिए मुंबई हार्बर में स्थित हैं, सिल्क गुफाओं का एक नेटवर्क है। इसका वास्तविक नाम देखिए धारापुरी गुफाएं हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे कौन सी गुफाएं हैं इसका वास्तविक नाम में, तो धारापुरी गुफाएं हैं। ये गुफाएं बौद्ध तथा हिंदू के धर्म से संबंधित हैं, यहाँ भगवान शिव के कई रूपों का को देखिए उकेरा गया है। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेनेसा पुनर्जागरण यूरोप में डैश तक ही एक अवधि कब से कब तक की है। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी 14 से 17वीं शताब्दी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 23वां क्वेश्चन देखते हो, कनाडा की राजधानी कौन सी आपको बताना है। तो दोस्तों कनाडा की राजधानी देखिए यहाँ पे है ओटावा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ओटावा। यह देखिए दक्षिणी ओंटारियो के पूर्वी हिस्से में ओंटावा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह तीन प्रमुख नदियों का संगम भी है, ये नदियाँ हैं ओटावा नदी, गैटियो नदी और रायडू नदी। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इस टाइप की वीडियो अगर आप रेगुलर चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मैक्सिमम लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और देखिए क्योंकि लगातार मेहनत से आप ही लोग की रिक्वायरमेंट, थोड़ा डिटेल वाला वीडियो लाइए सर, तो अब आपको डिटेल वाला वीडियो मिलेगा। इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकेंगे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना, इससे लगातार आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ से अपन प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, एक वीडियो सुबह मिलती है, एक शाम मिलती है, और डेली रात में आपको ये वीडियो मिलेगी। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @om.jaiswal से, एंड इंस्टाग्राम पे देखिए आप मुझे @om.jais से, और इन सभी लिंक जो कि PDF में मिलेगा आप कहीं से भी, आप फेसबुक इंस्टाग्राम जो कि यूट्यूब सभी जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, और डायरेक्टली PDF में देखिए इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्लिक करके सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।